हायर एजुकेशन में लगभग आज 4 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उस एज ग्रुप में और 4-5 करोड़ बच्चे हैं। ये 10-1 करोड़ लोग वो हैं, 15 और 10, मैं ऐसे ही बल पार्क पिक्चर आपके सामने रख रहा हूं, 25 करोड़। ये स्टील सेक्टर में हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, 15 से 25-35 की जो एज ग्रुप की लोग हैं, ये भारत में 30-35 करोड़ हो जाएंगे। भारत की वर्कफोर्स की नंबर है लगभग 50 करोड़, उनमें से कम 25 करोड़ के पास स्मार्टफोन है, ज्यादा भी हो सकता है। अरे आपकी पोर्टल स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में ये 50 करोड़ लोग जाएंगे। आपने कहा स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग करेंगे, सभी लोगों की ज्ञान की इसी में आ जाएगा। इसमें आने वाले दिनों में आप 2-3 चीज दायित्व लोगे, चिंता करोगे जिन लोगों ने इस काम पे लगे हैं। भारत में हमें इसको एक सभी के प्लेटफॉर्म बनानी है, जो जो जहां जहां स्किल देता है। आज भी कुछ संस्थाओं के साथ हमारी एमओयू हुई है, इसकी ऐसे टेक्नोलॉजी ड्रिवेन व्यवस्था करो। हाँ, कोई वेटिंग होनी चाहिए, सेक्टर स्किल काउंसिल करे, एनसीबीटी की कुछ क्वालिफिकेशन कंप्लेंस हो पाए, यूजीसी कुछ क्वालिफिकेशन करे, क्योंकि आने वाले दिनों में एनसीबीटी, जैसे कल हमारी चर्चा हो रही थी, यूजीसी भी इस प्रकार की हाई एंड स्किलिंग क्वालिफिकेशन पैक की कॉम्पिटेंसी एंडोर्समेंट करेगा, एआईसीटी कर सकता है, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। कुछ फ्रेमवर्क कलसी जी, जगदीश जी, हमारे रामक एआईसीटी चेयरमैन, ये सब मिलकर बनाए, सेक्रेटरीज उसको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क में डाले, जो स्किल की क्लेम करेंगे कि हम ये स्किलिंग करते हैं, ये हमारी वैल्यू एडिशन होगा, उसकी एक प्रोसेस करके, सेल्फ ड्रिवेन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस करके आप उसको अनबोर्ड करने का व्यवस्था करो और उसकी सर्टिफिकेट देने का व्यवस्था करो और उसकी क्रेडिट फ्रेमवर्क में कैसे आए। मैंने अभी मजाक कर रहा था कि हमारे वहां भीष्म पितामह है कलसी जी, हमारे जगदीश जी और अनिल जी, ये दोनों कृपाचार्य द्रोणाचार्य हैं, कौन पांडव कौर में नहीं कहूंगा। अभी जो स्किल इंडिया में जुड़ेगा तो पक्का पांडव होगा, ये पक्का सर्टिफिकेट। सबको स्किल इंडिया, देश में एक मुहिम करना है, ये मुहिम सिर्फ देश में सीमित नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में आज हमने अभी एक टीवी में, सोशल मीडिया में एक मैंने मूवी छोटा सा देख रहा था, हमारी नेतृत्व ने कभी सभ्यता नेतृत्व कहना भी सीमित हो जाएगा, कभी हमारे सिविलाइजेशनल लीडरशिप ने सिल्क रूट बनाया था। आज हमारी भारत की कलेक्टिव आकांक्षा से भारत मिडिल ईस्ट ईस्टर्न यूरोप के एक नया रूट बनने की कल्पना किया जा रहा है, सब स्किल लगेगी उसमें, तो तैयारी हमारे के बहुत सुखद संयोग है ये। जब भारत एक महत्वाकांक्षी 21वीं सदी 22वीं सदी तक का 24वीं 25वीं सदी में ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप की रूट को प्लान किया जाएगा और ये संभव है। इस बार G20 में 25 में से 2 लीडर्स ऐसे थे, 2 अलग एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यूके के प्रधानमंत्री थोड़ी ना हमारी है, लेकिन कहते तो जय श्री राम, सुबह 6 बजे छाता लेके पहुंच गए अक्षर राम दर्शन करने के लिए, कुछ कहने के लिए नहीं है, हमारी समय आ गया, ये उसका स्टेटमेंट है। और मैं एक टीवी में एक इंटरव्यू देख रहा था वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट साहब का, वो ठेठ पंजाबी एक्सेंट हिंदी में बोलते थे, सरदार जी है दिलेरी से बोले कि देखो मैं पीएम साहब को कहा कि मैं मेड इन इंडिया हूं, मैं यहीं की स्कूल में पढ़ा हूं, मैं अभी कहता हूं G20 का श्रेय हमारे एनसीईआरटी का है, किताब कौन बनाया, ये चंद्रयान का सक्सेस किसकी है, G20 का है, ये एनसीईआरटी का है,
चंद्रयान में जो रोवर आज घूम रहा है प्रज्ञान, उसको भारतीय वैज्ञानिक तो बनाए, कौन सी साइंस की किताब पढ़ा होगा? एनसीईआरटी की किताब पढ़ा ही होगा। तो ये हमारी दायित्व है, कोई कुछ भी क्लेम करे, शिक्षा और स्किल दो भारत की मदरशिप करने वाले डिपार्टमेंट है।